कई माताएं रो रही थी। नारद जी को लगा माताओं के बीच में जाओ भैया, कौन बात में रोने लगे, कौन बात में हंसने लगे, झगड़ जाए, टूट जाए। नारद जी बोले हम तो सटक लिए महाराज, हम भाग रहे थे तब तक उस माता ने देख लिया, आवाज लगा दी, भो भो साधु क्षणम दिशता मद चिंता कैसे कहते हैं संस्कृत में राग साग संस्कृत हो धातु से साधु शब्द उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है साधनों की परकार्या साधु, जो दूसरे के बिगड़े काम को बना दे। भक्ति देवी ने कहा नारद जी आप साधु हैं, वो साधु जरा रुक जाओ, आपके तो दर्शन से पवित्रता आ जाती है, सब पवित्र हो जाते हैं, महाराज मेरे दुख का निवारण करो। नारद जी ने कहा मैंने पूछा उस देवी से काशी कौन का इमऊ, देवी आप कौन हो, ये कौन है, बल देवी सब विस्तारम स्वस्थ दुख से कारण, विस्तार पूर्वक अपना परिचय दो, ये जो वृद्ध है इनका परिचय दो और अपने दुख का कारण कहो। उस स्त्री ने कहा अहम भक्ति नारद जी मेरा नाम भक्ति है और ये दो मेरे बेटा है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने सिर पकड़ लिया, नारद जी ने कहा भैया 20 साल की और बेटा 80 साल की। नारद जी ने कहा ये कैसे हो सकता है, भक्ति ने कहा नारद जी मैं द्रविड़ देश में जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ, महाराष्ट्र में मैं युवान हुई और जैसे ही गुजरात पहुंची महाराज में तो जीर्ण शीर्ण हो गई, गुजरात से भगी प्राण बचा के। अच्छा देखो यहाँ भक्ति कह रही है कि गुजरात से प्राण बचा के भगी, और देखने में यह मिलता है कि वर्तमान समय में तो गुजरात में भारी भक्ति, देखा जाए तो वर्तमान समय में तो गुजरात बड़ा भक्ति प्रदेश है। हमें बहुत दिनों तक किसी श्लोक में बड़ा डाउट रहा कि आखिर गुजरात में अब भक्ति है, और उस समय भक्ति कहती है कि गुर्जरे जीर्णताम गता, मैं गुजरात गई और वहां जीर्ण शीर्ण हो गई वृद्ध हो गई। तो मेरे मन में बहुत दिनों तक लगा रहा कि गुजरात पवित्र कब हो रहा। जब मैंने श्री भक्तमाल जी ग्रंथ पढ़ा तो भक्तमाल में श्री नरसिंह जी का चरित्र पढ़ा, उस नरसिंह जी के चरित्र में श्री नाभा जी ने कहा धन्य धन्य नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। एक वैष्णव संपूर्ण क्षेत्र को पवित्र करते साधारण बात नहीं है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जगेगा, वह कुल पवित्र हो जाता है, वह माता कृतार्थ हो जाती है, वो गांव वो शहर वो धन धन्य बनाते हैं अपने आप को। रही वैष्णव नाम ध्येयम, जिस घर में कोई एक वैष्णव भगवान का प्राण प्यारा भक्त बन गए, और नरसिंह जी जिनके लिए भगवान ने किसी कली काल में एक बार दो बार नहीं 56 बार भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया, कितनी बार 56 बार श्री नरसिंह जी को भगवान ने किसी कली काल में प्रकट होकर दर्शन। जब ऐसा कोई वैष्णव जिस प्रदेश में जन्म लेगा बताइए वहां फिर वहां तो भक्ति के परमाणु कण कण में फैल जाएंगे। नरसिंह जी के प्राकृत से गुजरात पवित्र हो गया। भक्ति देवी ने कहा महाराज
ये मेरा ये मेरे दो बेटा है, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम भैया। अच्छा देखने में मिलता है सुनी भैया, अपने हृदय की भक्ति तो जवान है लेकिन अपने हृदय में भी ज्ञान भैया सुनने ज्ञान भैया वृद्ध पड़े हैं, भक्ति तो जवान है। इन माताओं के लिए हम देखते हैं अपना सोमवार है, ये सोमवार अपन सोमवार है, ये मन कामेश्वर मंदिर में आएंगी माता है, तो भक्ति तो है इनके अंदर। हमने देखा है माताएं आएंगी हर और पिंडी पे चिपकेंगे, भगवान से जब तक नहीं भोग लगाएंगे तब तक चिपकेगा, ये ज्ञान भक्ति तो है। अरे भक्ति ना होती तो भगवान के लिए प्रसादी बनाती क्या, भगवान के मंदिर आती क्या, लेकिन ज्ञान की स्थिति है कि किसमें चिपका जाएंगे, हलवा चिपका जाएंगे, पूरी लगा जाएंगे भगवान के माथे पे। अरे भाई भगवान के मंदिर में भगवान दृष्टि से भोग लगाते हैं, केवल उनके सामने संपत्ति तभी जाए, दूर से भी आप भगवान से निवेदन करें प्रभु ये आपकी संपत्ति, मैं आपको एक निवेदन करूं, जब भी आपके सामने भोजन की थाल आए बिना निवेदन किए हुए नहीं पाना चाहिए, अभक्ष पाने का भारी अपराध है, असमर्पित पाने का, भगवान को समर्पित करके पाओ तभी ये वस्तु गोविंदम तो कभी भी समर्थ है। प्रभु आपने आपकी कृपा से इसी को ये भोजन पा रहा है, आपको भगवान दृष्टि से भोजन लगा।